हेलो फ्रेंड, द किलर मांडी शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम श्याम सिंह रॉय मूवी से सीन्स पे रिएक्शन देना स्टार्ट किए हैं, ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों, हर सीन नहीं तो भी जो भी इम्पोर्टेंट सीन है, हमको जो लग रहा है मूवी, हम जो थोड़ा थोड़ा करके जब देख रहे हैं उस पर हम ट्राई कर रहे हैं अपना रिएक्शन देने के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन सीन दिया था नानी का और कीर्ति शेट्टी का जो मीटअप सीन था उस पर दिया था। वो थोड़ा अच्छा कॉमेडी सीन था, थोड़ा उनका बीच में कैसे उनको कीर्ति शेट्टी को वो लोग मनाते हैं, उनके जो भी शॉर्ट स्टोरीज मूवी बनाने में कैसे उनको एग्री कर लेते वो सीन था, तो वो अच्छा लगा था दोस्तों। तो अभी एक और सीन हम देखने वाले हैं दोस्तों, उसमें आएंगे थोड़ा सा कुछ फाइट सीन भी है एंड स्टोरी से रिलेटेड कुछ सीन आगे जाएगा कि जो नानी का कैरेक्टर है वो क्या है, उसको जो श्याम सिंह रॉय का जो कैरेक्टर है या जो हमको पोस्टर्स पे देखने मिलता है वो कैसे उससे मिला है हमको, और शायद कुछ स्टोरी के बारे में जानने मिलेगा। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, एक और जबरदस्त सीन इस मूवी से देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। हाय मैडम। నమస్తే మేడం, మీతో సెల్ఫీ దిగాలని చాలాసేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం మేడం. నాతో ఎందుకు? హీరోయిన్ మీరే కదా మ్యామ్. హా, నేనే నేనే. కేశవ్, టూ స్టెప్స్ వెనకెళ్ళు. మొహమాట పడకండి, దగ్గరికి రండి. ट्राइपॉड तो यूज हो रहा है। पिछले मार दिया क्या हो गया? कुछ अलग बैकग्राउंड में यूज चल रहा है, कान से खून निकल रहा है। अरे बाया इधर पकड़ लिया, दुर्गा माँ का पर फोकस नहीं पाया ना। तो हुआ था नहीं उसको मान तो हीरो शॉर्ट स्टोरी का उसमें था फाइनली पिक्चर बनता वर्णम वर्णम बटरफ्लाई के या वर का कुछ कंग्रेट्स वासु సార్ బాధీ సార్ నైస్ బాగా మెచ్యూర్ చెప్పు కథ థ్యాంక్ యూ సార్ అని మనం చేద్దాం పక్కాగా సార్ అబ్బాయికి అగ్రిమెంట్ చేసి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసి నువ్వు బౌన్స్ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకుని నన్ను వచ్చుకో ఇంకో వన్ మంత్ లో రెడీ చేసేస్తాను సార్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సార్
చేస్తున్నావు షెడ్యూల్ కి స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తున్నావు నేను మళ్ళీ 2 మంత్స్ వరకు రాకపోవచ్చు అయిపోయింది సార్ క్లైమాక్స్ ఒకటే బ్యాలెన్స్ ఉంది రేపు మార్నింగ్ అలా మీకు సబ్మిట్ చేసేస్తా సరే అయితే రేపు మార్నింగ్ 10 కి ఆఫీస్ కి వచ్చి రేపు ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్లైట్ నాది ఓకే సార్ अच्छा सो खत्म करना है खत्म नहीं हुआ है ना सुबह तक देना है उसको ऐसा लग रहा स्टार्ट किया है अभी नहीं साइड में एक बोर्ड था शायद उस पर क्लाइमेक्स लिखा है ये देख राइट में देख है ना क्लाइमेक्स लिखा है तो क्लाइमेक्स ही होगा फिर क्लाइमेक्स नहीं कर पा रहे अच्छा एंड कैसे करना है मुझे लिखा ही नहीं लग रहा मुझे तब सिर्फ नाम था वो तो चलना कुछ तो हो फिर से म्यूजिक से चल रहा है नाट पुराना कुछ तो लिखा रहा है ना అమేజింగ్ చాలా బాగుంది వాసు క్లైమాక్స్ అయితే అసలు ఊహించలేదు అదిరిపోయింది దీని డబ్బులు పెట్టచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి రైటర్ నువ్వు నువ్వు వెంటనే స్టార్ట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ నీకు టీం ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకెందుకు లేటు కూలింగ్ పోతుంది కీర్తి కోసం వెయిటింగ్ రా నేను కనిచ్చండి హాయ్ కీర్తి అబ్బా మామూలు కథలు కావరా నీది హాయ్ కీర్తి ఏంటే నువ్వా హాయ్ హాయ్ दुर्गम चरू वाला है नाइस व्यू फ्लाईओवर और ब्रिज जो है ना ये अच्छी दिख रही है यार फेस एंड एंड चेतला बैग पंचिंग का फ्रेश फेस है पूरा अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू काका एंड टू वन क्या है फुल ट्राई कर सकता कांग्रेचुलेशंस थैंक यू आई एम रियली हैप्पी फॉर यू चलो बहुत ड्रेस भी अच्छा दिख रहा है ना कितनी ज्यादा अच्छी दिख रही है आइए उपेन्द्र में थोड़ा वो टाउन का लुक था तो अलग था इसमें पूरा अधिक अलग दिख रहा है अच्छा ऊपर कैंपफायर चल रहा है इनका बारबेक्यू सब हाँ वासु नहीं पहले सिनेमा को डर स्पेशल थैंक्स लाना पेर ऐस करा नहीं कल सुस्तन एक्चुअली पेर गल फोटो फोटो इंच యజమానులు గారు సార్ ఫోటో ఏమంటావా యు గైస్ ఆర్ అన్బిలీవబుల్ ఫస్ట్ లో ఎంత తిట్టుకున్నానో ఇప్పుడు అంత మిస్ అవుతున్నా ప్లీజ్ బీ ఇన్ టచ్ నువ్వు ముంబై వెళ్ళిపోతావు ఈడు పెద్ద సినిమా పనులు పడితే వాళ్ళు మా ఫోన్లో ఎత్తాడు అందరు బాగుంటే నా కాఫీ నేను కాఫీ నన్నైతే పక్కా మర్చిపోతాడు నేను మర్చిపోతానా ఇంపాసిబుల్ అయితే నువ్వు డైరెక్టర్ గా బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయిన రోజు నేను ఇచ్చిన షర్ట్ వేసుకో అప్పుడు నమ్ముతాను నేను నీకు గుర్తున్నానని నేను బయలుదేరుతా ఇంకా రే షార్ట్ ఫిలిం పద పోదాం ఇంకా ఎంతసేపు ఉంటావు ఇక్కడ మాక్సిమం 5 మినిట్స్ లో బయలుదేరుతా కీర్తి నీ ఫ్రెండ్స్ ని క్యాఫే పోస్తున్నా నీ పేరు చెప్తే 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తాను సరే నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఇంటికి వెళ్ళు మీ ఇంటికి వర్షం పడేలా ఉంది నువ్వు కూడా లోపలికి వెళ్ళు
మళ్ళీ ఎప్పుడు తెలీదు. సారీ, నేను నీకే గిఫ్ట్ పంపా. थोड़ा स्टोरी इंटरेस्टिंग हुआ पूरा. एक तरह से इसमें फाइट भी हमको देखने मिला और फाइट में उसको जो चोट लगा था वहीं से उसका कुछ चेंज हुआ. जो सीन दिखाया अचानक राइट से लेफ्ट आया ऐसे फिर वो दिखाया सीन उसका. आई गेस वो सिगरेट का दिखा रहा था मुझे लगा. वो जो पकड़ के ना ऐसे ऐसे कर रहा था और जब उसका थोड़ा क्लिपिंग भी दिखाता है ना मुझे लग रहा है वो सिगरेट का ही सीन दिखाया था बोला. और इससे पता चल रहा था कि वो लेफ्टी है एक्चुअली. माने जो भी स्पिरिट अब क्या है पता नहीं. श्याम सिंह रॉय का क्योंकि दिखा भी रहा पुराना जो भी थोड़ा सा. एंड अब तो साई पल्ली को भी पुनर्जन्म है तो उसको कुछ याद आ रहा है जैसे. ओहो ओके ओके अच्छा. माने अभी कोई स्पिरिट ऐसा नहीं हो सकता है री इनकार्नेशन टाइप. ओके ओके तो जो हो माने वैसा है कि अब हमको वो दोनों चीज अब देखने मिला ये सीन में एक्चुअली. जो श्याम सिंगर रॉय एंड आई गेस साई पल्ली का नाम रोजी है क्योंकि उसका नाम उसको जो दिखा रहे थे रोजी दिखाया उसमें तो ये सीन भी उसको अच्छा याद आया. अच्छा था सीन. एंड इसमें माने नानी नेचुरल है दोस्तों लेकिन मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद आई कीर्ति शेट्टी. मेरे को पता नहीं क्यों वो बहुत लाइकेबल एंड वेरी डिफरेंट फ्रेश फेस है. आगे बढ़ेगी बहुत ही अच्छा फेस है यार. एंड एक्टिंग भी कर ले. हाँ एक्टिंग क्योंकि मुझे जितना याद है मैंने उपेन्ना का जो नहीं दिया था रिएक्शन तो जो भी मैंने स्वेच्छा का रिएक्शन वीडियो देखा था उसमें उपेन्ना का उसमें वो जो अच्छा की थी एक्टिंग अच्छा की थी. उसका जो कैरेक्टर था एक थोड़ा टाउन टाइप्स में एंड सडनली हम यहाँ पे एक पूरा मॉडर्न लुक उसका देख रहे हैं वो पूरा अलग लग रही है कीर्ति शेट्टी. अच्छा लगा दोस्तों वेरी हैप्पी. आई गेस बहुत ही टैलेंटेड है आगे जरूर जाएंगे कीर्ति शेट्टी ये सीन में. करेक्ट है ना. तो अच्छा लगा दोस्तों ये सीन थोड़ा कुछ अब लग रहा है कुछ अब जो बोलते हैं कि स्टोरी ओपन अप हो रहा है हमको और अच्छा कुछ सीन सब लगता है देखने मिलने वाला है.
जिसका एक्चुअली हमको इगरली वेट है मेन जो श्याम सिंह रॉय का वो सीन देखने के लिए एंड साइको। तो ठीक है फिर दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।